ताजाबाद उमरा रोड स्थित हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव द्वारा करोड़ों की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। वर्तमान ट्रस्ट का प्रबंधन संभाल रही समिति को जांच में मिला है कि पूर्व अध्यक्ष मस्का साद जगन्नाथ बुधवारी निवासी शेख हुसैन अब्दुल जब्बा ने ट्रस्ट के 1,48,379 रुपए और पूर्व सचिव इकबाल इस्माइल वेलजी ने 1,15,207 रुपए अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कराए। ट्रस्ट नियमों के तहत ऐसा करना कानूनी अपराध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्यक्ष प्यारे जिया खान द्वारा इस बाबत सक्करदरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा शेख हुसैन और इकबाल बेलजी को नोटिस जारी किया गया है। जिला न्यायाधीश नागपुर द्वारा 2001 में शेख हुसैन और इकबाल बेलजी को ट्रस्ट का अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया था। बाद में दोनों की कार्य प्रणाली संदिग्ध नजर आने पर 15 अक्टूबर 2016 को ट्रस्ट के लिए 9 सदस्य समिति गठित की गई। हालांकि समिति ने 3 जून 2021 से काम शुरू किया था। समिति द्वारा ट्रस्ट का लेखा जोखा जांचने में भारी गड़बड़ी का पता चला। उसमें शेख हुसैन और इकबाल बेलजी द्वारा अपने अकाउंट में ट्रस्ट की बड़ी रकम ट्रांसफर करने का पता चला। नई समिति ने तुरंत ट्रस्ट का ऑडिट करवा दिया। ऑडिट में पता चला कि 2011 से 2016 के बीच शेख हुसैन ने 1,48,380 और इकबाल बेलजी ने 1,15,207 रुपए अपने व्यक्तिगत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा है। वर्तमान प्रबंधन समिति ने शेख हुसैन और इकबाल बेलजी को इस बाबत सूचना पत्र भी भेजा। दोनों से करोड़ों की आर्थिक हेराफेरी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। समिति ने नोटिस 28 जून 2021 को भेजा था, जो 29 और 30 जून को ही शेख हुसैन और इकबाल बेलजी को प्राप्त हो चुका है। समिति को अपने नोटिस का जवाब न मिलने पर सक्करदरा थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। सबसे पहले मैंने अपने हाथ में अकाउंट से लिया। अकाउंट लेने के बाद जो मेरे को वहाँ जो फर्जीवाड़ा दिखा, तो मैंने उस पर जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया उनको एक लीगली नोटिस दिया और बहुत सारे लोगों से बातचीत की, और उनको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया कि भाई आप ये बताओ कि ये जो पैसा पर्सनल आपके अकाउंट में, एक्चुअली क्या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कोई भी चेयरमैन या कोई भी ट्रस्ट का अधिकारी अपने पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रस्ट का पैसा, जो गरीबों का जो दान पेटी में जो पैसा आता है, वो पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप बताइए, और एक लीगली उनको एक नोटिस दिया 7 डेज़ का कि आप 7 दिन के अंदर हमको बताइए और आप ट्रस्ट में आई कि ये पैसे का आपने क्या किया। तो उनके तरफ से ऐसा कुछ जवाब नहीं आया कि जो जिससे हम लोग सहमत हो, तो फिर मजबूरी में हमको पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ा। और ऐसे यहाँ पे क्या बहुत सारे, ये तो एक बहुत छोटा सा है, ये तो अभी 2011 से मेरे ख्याल से 2017 का, अभी जब 2001 से करेंगे पूरा ऑडिट, अभी पूरा ऑडिट नहीं हुआ है, अभी जितना मेरे को मिला है उतना मैंने किया है, तो यहाँ बहुत बड़ा यानी करोड़ों रुपये का, 2500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है यहाँ पर। ये तकरीबन अंदाजन मेरे ख्याल से 1,48,00,000 रुपए एक जो मेरे पहले चेयरमैन थे उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया, और जो सेक्रेटरी थे उन्होंने 11-12 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया लीगली। वो ऐसा करवाना नहीं चाहिए था उन्होंने अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में आप कोई भी चेयरमैन या सेक्रेटरी जो भी नो ट्रस्टी है वो पर्सनली अपने इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा ही नहीं सकते। ये दो अकाउंट में 1,60,00,000 के आसपास, एक्चुअल फिगर नहीं मालूम, लेकिन 1,60,00,000 के आसपास ये पैसा गया है। ये शेख हुसैन साहब करके है जो मेरे पहले चेयरमैन थे, और इकबाल बेलजी करके है वो ट्रस्टी वो थे। मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा कि इसमें पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने ही जब 2020 में ऑडिट करवाया था, पालीवाल साहब की रिपोर्ट मंगाई थी, उसमें क्लियर नोट में लिखा हुआ है क्या इनके ऊपर ये पैसा निकलता है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया ये मेरे समझ से परे। और मैंने पर्सनली बोला भी उनको कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, ये कानूनन जुर्म है, ये आपको करना ही था, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया। मेरे को तो लगता है उनका भी साथ में इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने शेख हुसैन और इकबाल बेलजी को विभिन्न प्रश्नों के साथ नोटिस जारी किया और जवाब मांगे। सक्करदरा पुलिस में PI CM यादव द्वारा जारी नोटिस में दोनों से 2011 से 2016 के बीच चैरिटी कमिश्नर को पेश ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही आखिरी बार ट्रस्ट का ऑडिट कब क्या किया ये भी पूछा गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।